हाँ तो दोस्तों, अगर आप पार्ट वन के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट का जो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म और साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो बढ़ा दी गई है, और कब तक बढ़ाई गई है इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी बताएंगे। और साथ ही आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से होने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, ये भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुँच सके। पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 15 मई को आज ही के डेट में ये जारी किया गया है। जैसे कि आपको बता दें, विषय प्रथम खंड वाले स्टूडेंट को जिनका आर्ट साइंस एंड कॉमर्स है, जिनका सेशन 2020 से 2023 है, उन स्टूडेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है वैश्विक जो महामारी है उसकी जो तिथि बढ़ाने के कारण आप लोग का आर्ट साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का जिनका सेशन 2020 से 2023 है, उन स्टूडेंट का ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन ₹30 शुल्क के साथ 31 मई तक स्वीकार किए जाएंगे, जहां पे दोस्तों अब आपको फिर से नोटिस जारी करके बताया जाएगा। वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन में यानी पार्ट वन में 2020 से 2023 वाले सेशन में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग 31 मई तक स्वीकार किए जाएंगे, तो आप लोग भर लीजिए, ₹30 ज़्यादा शुल्क के साथ भरे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बताते सभी छात्र ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन प्रपत्र एवं अगर आप परीक्षा फॉर्म भरे होंगे उसका भी प्रतिलिपि निकाल के अपने अपने महाविद्यालय में निश्चित रूप से जमा करना है। ऐसे में स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उनका कॉलेज खुला है या बंद, तो दोस्तों सभी कॉलेज अभी बंद है, आप लोग को 31 मई तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे। खुलने के उपरांत ही आप लोग अपना सभी प्रतिलिपि को लेके प्रिंट आउट को लेके अपने कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन समय अपना सब्सिडी पेपर और माता पिता का नाम, जन्मतिथि, इस प्रकार की जो समस्याएं या गलतियां हैं वो सुधार करवा सकते हैं। और कैसे सुधार करवाना है तो आपको अपने प्रधानाचार्य से सुधार करवा लेना है। अगर आप पूर्व के सेशन की बात कर रहा हूँ 2019 से 2022 वाले स्टूडेंट जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो भी करा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आई कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब जारी होगा और साथ ही आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों आपको पहले बता दूं तो आपको 31 मई तक आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों बंद रहेगा। तब बात आई कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा और आप लोग का एग्ज़ाम कब तक ले लिया जाएगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होने में आपको लगभग, यानी अभी मई है, जून जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा, और जुलाई और अगस्त के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से महामारी की स्थिति बढ़ती जा रही है और कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता, और वैक्सीनेशन बहुत ही स्लो है, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आप लोग का परीक्षा और साथ ही एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।